21, 22, 23 तारीख को मनाली में स्नोफॉल होने की प्रेडिक्शन है। जी हाँ, काफ़ी स्टूडेंट्स ने, काफ़ी लोगों ने मुझसे ये बात पूछी कि मनाली में स्नोफॉल कब होने वाला है अगला। तो जो एक्सपेक्टेड डेट आई है वो 20 से लेकर 23 तारीख के बीच में आई है। तो 20 में हो सकता है कि स्नोफॉल ना हो पाए, मनाली में थोड़ा टेम्परेचर गिरने में टाइम लगेगा। लेकिन हाँ, 21, 22 और 23 तारीख को स्नोफॉल होने की काफ़ी ज़्यादा संभावनाएं हैं। ये देखिए, आज 3 दिन हो गए हैं स्नोफॉल हुए और काफ़ी स्नो मेल्ट हो गया है मनाली में। लेकिन घबराएं ना, ये सब दृश्य देखकर आप बिल्कुल ना घबराएं, क्योंकि जो स्नोफॉल हुआ था वो सोलांग वैली में बहुत अच्छा हुआ था। मतलब 5 फीट के आसपास स्नो वहाँ पर गिरी थी। ये स्नोफॉल सिर्फ 1 या 1.5 फीट थी, तो ये मेल्ट हो भी जाती है। और मनाली और सोलांग में काफ़ी डिफरेंस है एल्टीट्यूड का, तो उस वजह से वहाँ पे स्नो ज़्यादा टिकती है, वहाँ पर ज़्यादा ठंडक रहती है। यहाँ पर कुछ लोग खुद ही स्नो को क्रश कर देते हैं, स्नो को मेल्ट खुद भी करते हैं, पानी डालकर भी करते हैं, जिससे कि लोग फिसले ना। लेकिन वहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, वो एक स्नो पॉइंट है, तो वहाँ पर लोग स्नो को छेड़ते नहीं हैं, जैसा रहता है वैसे ही रहने देते हैं। इसके अलावा शिशु अभी जाने की परमिशन मिल गई है। जी हाँ, जब तक अभी मौसम साफ है, अटल टनल खुला है सभी वाहनों के लिए, बाइक्स को छोड़ते हुए। जिनका भी सपना है कि भाई बाइक चलानी है लाहौल स्पीति में, वो अभी मुझे लगता है कि फरवरी तक रुकें, क्योंकि फरवरी तक यहाँ प्रशासन आप लोगों को घूमने नहीं देगा बाइक से। बाइक के माध्यम से सिर्फ आप सोलांग वैली तक जा सकते हैं, इससे आगे नहीं जा पाओगे। और बाइक से घूमना भी सही भी नहीं है, क्योंकि सड़कों पर रात को ब्लैक आइस जम रहा है अर्ली मॉर्निंग तक। तो अगर कोई बाइक पर घूम भी रहा है तो रात को 6 या 7 बजे के बाद ना घूमें, और सुबह 9 बजे से पहले ना निकलें अगर बाइक से घूम रहा है। बाकी कार वगैरह से घूमना है तो आप घूमें, लेकिन लापरवाही ना करें, क्योंकि लापरवाही की वजह से काफ़ी लोगों ने जान दी है अपनी। तो आप लोग कृपा करके, अगर स्नो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस नहीं है तो ये सब हरकत बिल्कुल भी ना करें। साथ ही घूमने के लिए सारे रास्ते खुले हैं, सभी जगह खुली हुई हैं, आप जहाँ मर्जी करें वहाँ जा सकते हैं इस समय। हाँ, शिशु से ज़्यादा आगे आपको जाने नहीं दिया जाएगा, ये बात श्योर है। बाकी अटल टनल फिलहाल खुला है, लेकिन इसकी कोई गारंटी नहीं। अभी मौसम अच्छा है, साफ है, इसलिए ये खुला है। साथ ही नेक्स्ट स्नोफॉल होने की प्रेडिक्शन है 20 तारीख से लेकर 23 तारीख तक, लेकिन हो सकता है कि 20 को ना हो, लेकिन 21 के आसपास आपको मिल जाना चाहिए। मनाली में काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हुआ था पिछले दिनों, तो इसलिए आगे वाले स्नोफॉल होना भी काफ़ी अच्छा एक्सपेक्टेड है। लगता है कि काफ़ी अच्छा स्नोफॉल हो जाएगा। बाकी अगर आप मनाली आए हैं और स्नोफॉल हो रहा है, तो आपको कहीं जाने नहीं दिया जाता है, सोलांग वैली स्पेशली नहीं दिया जाता। ऐसी कंडीशन में आप लोगों को अगर स्नोफॉल देखना है, गाड़ी से एंजॉय करना है, तो आप लोग यहाँ की फेमस लोकेशन हमटा पास जा सकते हैं। उसके लिए आपको एक परमिट बनवाना पड़ता है, जो हिमाचल गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट से बन जाता है, और ज़्यादा चार्ज नहीं है। बाइक्स के लिए 100 है और शायद कार्स के लिए 200 के आसपास है। एडवाइस करूँगा कि आप सब लोग यहाँ की लोकल टैक्सी लेकर ही जाएं, और कोई भी परेशानी है तो आप हमारे भाई चिरंजीत ठाकुर से बात कर सकते हैं, वो आपको सारी हेल्प कर देंगे घूमने में। फिलहाल मौसम मनाली का ठंडा है। जो लोग बच्चों के साथ आना चाह रहे हैं, तो एडवाइस करूँगा कि 1 साल वाले बच्चे बिल्कुल ना लाएं, और कोशिश करें कि 1.5 साल वाले बच्चे भी ना आए, क्योंकि मनाली में ठंड ज़्यादा है। बाय द वे, ज़्यादा घूमने का मन है तो ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, कि आना ही पॉसिबल नहीं है बच्चे के साथ, पॉसिबल है। अगर आपके पास 1.5 साल से बड़ा बच्चा है या 1.5 साल का भी बच्चा है, तो आराम से लाएँ, लेकिन उसको ज़्यादा घुमाएं ना यहाँ की ठंडी हवा में। आप उसे होटल में रखें, और उसके अलावा गाड़ी से बाहर ना घुमाएं, जिससे कि उसे ठंड ना लग जाए, क्योंकि ठंड सच में बहुत ज़्यादा हो चुकी है। रात को टेम्परेचर -9 -10 आराम से जा रहा है, तो इतनी ठंड काफ़ी होती है। साथ ही आप लोगों को बताते चले कि जिन लोगों को शिशु देखना है तो आने वाले 2-3 दिन में देख लें, क्योंकि 20 तारीख के बाद जब मौसम ख़राब होगा, तो मुझे नहीं लगता कि आप लोगों को घूमने दिया जाएगा या वहाँ तक जाने दिया जाएगा।
और सबसे निवेदन करेंगे कि यहाँ पर जब आप आएँ तो रश बिल्कुल ना करें। कोई ऐसा नहीं है कि मतलब जाना ही है, स्नोफॉल में एक्सीडेंट्स बहुत होते हैं, इसलिए आपको समझा रहे हैं कि अगर स्नोफॉल लाइट है तो कोई बात नहीं, थोड़ा हैवी लग रहा है तो गाड़ी बिल्कुल ना चलाएं, एक्सीडेंट होने के बहुत ज़्यादा चांस होते हैं। स्नो ड्राइविंग का एक्सपीरियंस है तभी अपनी कार लेकर आएँ, वरना दिल्ली से वॉल्वोस के थ्रू यहाँ तक आएँ और उसके बाद आप लोग यहाँ लोकल टैक्सी करें और घूम सकते हैं। अपनी गाड़ी लाकर आप अपनी जान को खतरे में ना डालें। कैसी लगी वीडियो ज़रूर बताएं। एक्सपेक्टेड डेट मैंने स्नोफॉल से जुड़ी आपको बताई है, 20 तारीख से लेकर 23 तारीख के बीच में होगा। सबसे ज़्यादा चांसेस 21 जनवरी को है। इसके अलावा रास्ते अभी सारे खुले हैं फिलहाल, लेकिन 20 तारीख के बाद हो सकता है कि कुछ रास्ते बंद कर दिए जाएँ, क्योंकि जैसे ही मौसम ख़राब होगा तो सबसे पहले मनाली लेह हाईवे को सोलांग वैली से रोक दिया जाएगा, फिर आप आगे नहीं जा पाएंगे। फिलहाल दारचा तक सारे रास्ते खुले हैं, सभी लोग जा सकते हैं, कोई इशू की बात नहीं है, और 4x4 से दारचा से आगे भी आप जा सकते हैं। धन्यवाद। आप लोगों को एक ही बात कहूँगा, अगर आप लोग इस समय फेसबुक पर हैं तो वीडियो शेयर करें और मुझे फॉलो करें। यूट्यूब पर देख रहे हैं तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी भी जानकारी के लिए हमारे दोस्त हमारे भाई मिस्टर चिरंजीत ठाकुर से आप बात करें, वो यहाँ की आपको सारी जानकारी उपलब्ध करा देंगे। धन्यवाद।